उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में घोर लापरवाही सामने आई है। एक मां अपनी एक साल की मृत बच्ची को लेकर करीब 3 से 4 घंटे तक परिसर में भटकती रही। दरअसल कोटड़ा की रहने वाली सुगना की एक साल की बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने पर रविवार को वो उसे चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। 3 दिन बच्ची को आईसीयू में रखा गया और गुरुवार सुबह बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने खाली कागज पर अंगूठा लगवा कर सुगना को बच्ची सौंप दी और घर जाने के लिए कहा। इधर सुगना का पति भी बच्ची के इलाज के दौरान उसे अकेली छोड़कर वहां से भाग गया। इसकी सूचना मिलने पर स्वयंसेवी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और महिला की मदद की। 8 बजे औरत बाहर बेंच बैठी हुई थी, ब्रेंच पे, तो हमने देखा उसके गोद में मरा हुआ बच्चा था। हमने हम क्या हेल्प कर सकते हैं, तो बोले कि मेरे घर पे छोड़ दो। मैंने कहा इसके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कोई छुट्टी का डिस्चार्ज फार्म कुछ है नहीं, कैसा मेरे को कुछ दिया नहीं। फिर अंदर जाके हमने बात करी, उसका डिस्चार्ज टिकट उसका फार्म का है कि वो तो हम नहीं देंगे, और वहाँ से छुट्टी लेके चले गए। तो उसके नाक में नली वली, हमने बोला भाई इसके नली वली सब लगी हुई है, तो हमने छुट्टी कैसे दे दी। फिर अंदर ला के उसकी नली वली निकाली और अभी पीएम कर रहे हैं। पति गई, पति के छोड़ के भग गया है, तो हमने फ़ोन करा तो उसके ठेकेदार को, वो बोला लेके आ रहा हूँ, और फिर बोला उसे स्विच ऑफ कर दिया, भग गया, कोई है नहीं, न इसके माँ बाप लेने को तैयार है, न इसके पति है, न इसके कोई घरवाले लेने को तैयार है, सास ससुर कोई भी लेने को तैयार नहीं है। बोला भाई बाहर एक औरत है, उसके गोद में मरा हुआ बच्चा है। फिर उन्होंने ला के नल निकली, फिर बोला इसको घर छोड़ दो। मैंने कहा घर छोड़ दो, कुछ कागज़ तो होने चाहिए, वह कैसे छोड़ सकते हैं।